hey guys how are you all i hope you all are doing good so once again welcome back to your youtube channel english english with subtitles so my friend today as usual i have brought you all the very significant english sentences that we use in our daily life so if you are one who wants to improve your english through movie subtitle please stay tuned with me till the end of this video so without any further delay let's jump into today's lesson from the drive movie अवर फर्स्ट सेंटेंस इज़ मुझे एक ज़रूरी कॉल करने की ज़रूरत है लेकिन मेरी बैटरी ख़त्म हो गई है आई नीड टू मेक एन अर्जेंट कॉल बट माई बैटरी has died. आई नीड टू मेक एन अर्जेंट कॉल बट माई बैटरी हैज़ died. मुझे एक कॉल करने की ज़रूरत है लेकिन मेरी बैटरी ख़त्म हो गई है आई नीड टू मेक एन अर्जेंट कॉल बट माई बैटरी हैज़ died. और आगे बोल रहा है ये मुझे अपनी माँ को फ़ोन करने की ज़रूरत है क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ आई नीड टू कॉल माई मॉम कैन बोरो फोन आई नीड टू कॉल माई मोम के नई बो योर फोन बोरो का मीनिंग क्या होता है उधार लेना तो ये बोल रहे हैं आई नीड टू कॉल मई मोम के नई बोरो फोन अब ये पुलिस वाले से बोल रहे हैं हाँ क्यों नहीं ये लो यस वाई नॉट हेयर यू गो ये लो जैसे हम बोलते हैं ये लो तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हेयर यू गो यस वाई नॉट हेयर यू गो नेच लवली फ्रेंड ये पीछे से यहाँ पर बोल रहे हैं हामिद यह लड़की किंग के पीछे है और केवल वह ही हमें उसके पास ले जा सकती है हामिद दिस गर्ल इज़ आफ्टर द किंग एंड ओनली शी कैन लीड अस टू हिम हामिद दिस गर्ल इज़ आफ्टर द किंग एंड ओनली शी कैन लीड अस टू हिम और ये आगे बोल रहे हैं हमें एक लड़के को उनके समूह में मिलाना है वी हैव टू इन्फिल्ट्रेट अ बॉय इं टू देअर ग्रुप वी हैव टू इन्फिल्ट्रेट अ बॉय इं टू ग्रुप हमें एक लड़के को उनके समूह में मिलाना है इन्फिल्ट्रेट का मीनिंग होता है इलीगल घुसपैठ करना तो ये बोल रहा है कि हमें लड़कियों के ग्रुप में एक लड़के को मिलाना होगा वी हैव टू इन्फिल्ट्रेट अ बॉय इं टू देअर ग्रुप अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की है सर यह लड़की ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करती है आई हैव ट्राइड अ लॉट सर दिस गर्ल डज़ नॉट ट्रस्ट एन वन जस्ट लाइक दैट आई हैव ट्राइड अ लॉट सर दिस गर्ल डज नॉट ट्रस्ट एन वन जस्ट लाइक दैट जस्ट लाइक दैट का मीनिंग होता है ऐसे ही ये रोमन ईरानी बोल रहा है ऐसे एक लड़का है जो इस लड़की का भरोसा जीत सकता है देर इज वन गाय हु कैन विन दिस गर्ल्स ट्रस्ट देर इज वन गाय हु कैन विन दिस गर्ल्स ट्रस्ट एक लड़का है जो इस लड़की का भरोसा जीत सकता है नेक्स्ट मेरे फ्रेंड सर वे बच गए सर द एस्केप्ड सर द एस्केप्ड एस्केप्ड का मीनिंग होता है बच निकलना या भाग जाना तो ये बोल रहे है वे बच गए द एस्केप्ड अब ये रोमन ईरानी इनसे बोल रहे है ये तो और भी अच्छा है हामिद दिस इज़ इवन बैटर हामिद दिस इज इवन बैटर हामिद ये तो और भी अच्छा है हामिद अब आगे बोल रहे हैं ये वे किंग के सोने को छोड़कर भाग गए द लेफ्ट द किंग्स गोल्ड एंड अवे द लेफ्ट द किंग्स गोल्ड एंड रन वे किंग के सोने को छोड़कर भाग गए नेक्स्ट माई फ्रेंड अब वो खुद ही हमारे पास आएगा नाव ही विल कम टू अस ऑन हिज ओन नाव ही विल कम टू अस ऑन हिज ओन अब वो खुद ही हमारे पास आएगा ऑन हिज ओन का मीनिंग क्या होता है खुद नेक्स्ट माई फ्रेंड ये पीछे से यहाँ पर बोल रहा है क्या हम किसी दूसरी कार में जा सकते हैं कैन वी गो इन सम अदर कार कैन वी गो इन सम अदर कार क्या हम किसी दूसरी कार में जा सकते हैं तो उसको कैसे बोलेंगे हम कैन वी गो इन सम अदर कार और आगे बोल रहा है ये मैं इसमें फ़िट नहीं आता आई डू नॉट फिट इन दिस आई डू नॉट फिट इन दिस मैं इसमें फिट नहीं आता नेक्स्ट ए लवली फ्रेंड यहाँ पर एक लड़की इसके बारे में बोल रही है बिट्टू को एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है बिट्टू हैज़ अ वेरी रेयर डिसीज़ बिट्टू हैज़ अ वेरी रेयर डिसीज़ बिट्टू को एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है और आगे ये बोल रही है जब हमने उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा वह राष्ट्रपति भवन देखना चाहते हैं wanted वी see the प्रेजिडेंशियल पैलेस he he अभी इनसे बोल रही है कि आप उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करेंगे Will you grant ग्रांट हिज लास्ट विश you ग्रांट हिज लास्ट विश कि आप उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करेंगे अब ये बोल रहे हैं इससे हाँ चलो यहाँ से शुरू करते हैं यस लेट्स स्टार्ट हेयर यस लेट्स स्टार्ट हेयर हाँ चलो यहाँ से शुरू करते हैं नेक्स्ट लवली फ्रेंड क्या हम इसे कहीं और स्थानांतरित कर सकते हैं कैन वी मूव इट समवेयर एल्स कैन वी मूव इट समवेयर एल्स क्या हम इसे कहीं और स्थानांतरित कर सकते हैं ये यहाँ पर सोने की बात कर रहे हैं सोना प्रेसिडेंशियल पैलेस में रखा हुआ है और ये बोल रहे हैं कि इसको कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं हम कैन वी मूव इट समवेयर एल्स और आगे बोल रहा है ये हम इसे एक जगह पर रखेंगे यहाँ तक कि उनके पुरखे भी नहीं पहुँच सकते वी विल कीप इट इन अ प्लेस दैट इवन दियर फॉरफादर्स कांट रीच वी विल कीप इट इन अ प्लेस दैट इवन दियर फॉरफादर्स कांट रीच अब यहाँ पर इससे बोल रही हैं ये क्या कह रहे हो तुम राष्ट्रपति के महल से ज़्यादा सुरक्षित क्या हो सकता है वाट आर यू सेग व्हाट कुड बी मोर सिक्योर दैन द प्रेजिडेंशियल पैलेस व्हाट आर यू सेग वाट बी मोर सिक्योर दैन द प्रेजिडेंशियल पैलेस नेशनल लवली फ्रेंड ये बोल रहे हैं यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह यह सब कैसे कर रहा है आई कांट अंडरस्टैंड हाउ इज़ डूइंग ऑल दिस आई कांट अंडरस्टैंड हाउ इज़ डूइंग ऑल दिस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह यह सब कैसे कर रहा है और मुख्य सवाल यह है कि वे उस कमरे में क्या चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं एंड द मेन क्वेश्चन इज व्हाट आर द ट्राइंग टू स्टील फ्रॉम दैट रूम एंड द मेन क्वेश्चन इज व्हाट आर द ट्राइंग टू स्टील फ्रॉम द रूम

आगे बोल रही है कि तुम मेरे पास ही क्यों आए थे वाई डिड यू कम ओनली टू मी वाई डिड यू कम ओनली टू मी तुम मेरे पास ही क्यों आए थे अब ये सुशांत जिससे बोल रहे हैं मुझे फिफ्टी बिलियन की ज़रूरत थी और आप चोरी करने वाली थी आई नीड इट फिफ्टी बिलियन एंड यू आर गोइंग टू स्टील दैट आई नीड इट फिफ्टी बिलियन एंड यू आर गोइंग टू स्टील दैट और आगे बोल रहे ये मैं आपको जल्दी सच्चाई बताना चाहता था आई वॉन्टिड टू टेल यू द ट्रुथ्थ सोनर आई टू टेल यू द ट्रुथ्थ सोनर मैं आपको जल्दी सच्चाई बताना चाहता था लेकिन मेरे बॉस ने आप पर भरोसा नहीं किया बट माई बॉस डिड नॉट ट्रस्ट यू बट माई बॉस डिड नॉट ट्रस्ट यू लेकिन मेरे बॉस ने आप पर भरोसा नहीं किया क्या बोला था इसने आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ्थ सोनर बट माई बॉस डिड नॉट ट्रस्ट यू so my friend this is our last sentence and thank you so much for watching my video if you are finding my video useful for you to improve your language please let me know in comment section and do not forget to like share and subscribe my channel until then bye bye have a great day ahead take care until we meet again